India has a special place in rising Asia in the 21st century. Okay. Discuss the challenges involved in rise of India as an economic superpower. तो इसका सिर्फ कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हमें 21st सेंचुरी के बारे में बात ज्यादा करनी है क्या इससे पहले वाले के, पहले तो ये हम फोकस करें। दूसरा, कौन कौन से चैलेंजेस अभी आने वाले हैं इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर और कौन से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, दोनों एस्पेक्ट आ जाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए सर? मेरे को ऐसा लगता है कि दिस ईयर इंडिया हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ओके, सो इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट उसी अकॉर्डिंगली होगा। ओके, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज फेसिंग मेनी चैलेंजेस ऑन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स। बिल्कुल ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इन्हीं चार पांच चीजों के सराउंडिंग होगा। जैसे हम दिखने में तो हमेशा अखबारों में आता है कि 7.5% 7.7% जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके किसी को देखते हैं कोई भी खुश नहीं नजर आता है ना, सब मुरझाए चेहरे। तो फिर हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में ये आया हो यार चैलेंजेस क्या है, सुपर पावर की बात तो हो रही है लेकिन बन नहीं रहा है। नहीं, तो अभी इसका कोर आंसर में कौन कौन से फैक्टर्स आने चाहिए, लोकल भी और ग्लोबल भी है ना? And since we are talking about GDP growth rate, that GDP growth rate should culminate into development. That trickle down of growth related aspects should raise standard of living, per capita income, greater access to health amenities, education, which in turn raise per capita income of the country. Okay. So if that rises, then in true sense, India will become a superpower. Because to become a superpower, we need military strength, economic strength, and diplomatic strength. Okay. It is only economic strength that will give capital for investment in military, and when economy becomes robust, then that will give a greater sense of bargaining power to our diplomats. So in this sense. एक चीज मुझे और लगती है सर, 1947 से जब से देश आजाद हुआ है हम यही सुनते हैं डेवलपिंग कंट्री। अब बच्चा एक बार पैदा होता है, बढ़ जाता है, बोलते हैं हाँ भाई एडल्ट हो गए। नहीं तो ये डेवलपिंग कब तक चलता रहेगा, कभी तो डेवलप्ड होना चाहिए ना। तो उसके लिए मेजर लैक है अभी तक। हम बोलते हैं इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा मतलब एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, नहीं तो आज भी इंडिया डेवलपिंग क्यों है इतने सारे सालों के बाद, ये भी देखना पड़ेगा है ना। तो कुछ तो लोकल रीजंस होंगे। अभी जैसे मेरे को कभी कभी लगता है कि इंडिया में जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो तो बड़े अच्छे डेवलप्ड है, ईस्टर्न स्टेट्स में अभी भी डेवलपिंग वाला सिंड्रोम चल रहा है। सिमिलरली विद इन वेस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्लास डिस्पैरिटी है ना, रिच गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअर। सो कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस वाली डायमेंशन मिसिंग है। yes. नहीं yes. ग्रोथ तो हम कर रहे हैं लेकिन वो लैग्स भी ग्रोथ के साथ साथ ही चल रहे हैं, तो डेवलपिंग जो है वो डेवलपिंग ही रह जाता है, डेवलप्ड नहीं हो पाता। क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री विद वेरिंग ज्योग्राफी, सो डिफरेंट स्कीम्स एंड मिशंस आर रिक्वायर्ड टू केटर टू नीड्स ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल पार्ट्स ऑफ द नेशन। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सेसिबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, स्किल सेट इज अ प्रॉब्लम, इंसर्जेंसी इज अ प्रॉब्लम, तो वहाँ फंड डाइवर्जन होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और अभी तक हम सिर्फ लोकल कंटेक्स्ट देख रहे हैं, आई थिंक हमें थोड़ा सा मूव करना चाहिए क्योंकि ये है इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो हमें थोड़ा ग्लोबल टेक्स्ट भी देखना चाहिए, कंटेक्स्ट देखना चाहिए। बिल्कुल, तो हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं कि ग्लोबल कंटेक्स्ट एंड लोकल कंटेक्स्ट, वो ज्यादा बेटर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे लोकल कंटेक्स्ट सर ने एक डिस्कस कर लिया कि जो हमारा सिस्टम इनएफिशिएंसी है या करप्शन है। बिल्कुल ठीक है, और इसमें हम देख लीजिए और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रीजनल डिस्पैरिटी है, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की अभी भी कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बिल्डअप करने वाली रहती है। प्राइस इनस्टेबिलिटी है, इम्पोर्ट इन्फ्लेशन है, वी स्टिल इम्पोर्ट 80% ऑफ आवर फूड नीड्स फ्रॉम अब्रॉड, सो दैट कॉजेस इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन। ग्लोबल फैक्टर्स में हम कह सकते हैं हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा डिफेंस की तरफ चला जाता है, डेवलपमेंट की तरफ कम जाता है। सिमिलरली जो ग्लोबल डिमांड है, क्योंकि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद थोड़ी अनसर्टेन है वो भी, तो एक्सपोर्टर्स भी उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते है ना, और FDI एंड FII वो भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फ्लो में ही चलता है क्योंकि उनके पास भी ऑप्शंस बहुत हैं, सिर्फ इंडिया एक ऑप्शन नहीं है। And there are some regional economic partnerships, but there is always a poor performance in these regional economic partnerships. ASEAN है, SAARC है, जो भी है, तो इनकी भी अभी इतनी अच्छी performance नहीं आ पा रही। कोशिश तो इंडिया ने बहुत किया, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट कर लें, कुछ कर लें, बट अभी ज्यादा चला नहीं है ना।
तो ये मेरे ख्याल से मेजर चैलेंजेस हो जाएंगे ना, लोकल एंड ग्लोबल. सो इसकी अभी कंक्लूजन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग सर? आई फील दैट देयर आर प्रॉब्लम्स इनहेरेंट टू द इकोनॉमी एज वेल एज व्हिच आर ग्लोबल. नाउ प्रॉब्लम्स इनहेरेंट टू द इकोनॉमी नीड टू बी एड्रेस्ड बाय ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स. फॉर दैट वी नीड पॉलिटिकल विल एंड सेकेंडली वी नीड टू वीड आउट efficiencies, inefficiencies in taxation structure, cost inefficiencies, encourage entrepreneurship and tap the latent talent in our rural hinterlands. For that, in this regard, GST is a noble initiative which will streamline the taxation structure and reduce the cost, production cost, mm-hmm. and thus in turn will give greater competitive this thing to our exports. Mm-hmm. And global factors, for global this thing, we need to diversify our export trade direction. We need to switch from primary export of primary goods to more of capital oriented service sector goods, mm-hmm. in which India has, in okay. which India leads. Okay. And moreover, we need to have a cordial good relations with our neighboring nations. Okay. Okay. It is only when we have good relations with our neighbors that world will perceive India as a regional superpower. Okay. Then gradually translation will come from regional superpower to extra regional superpower.